तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी डिजीज के बारे में जो सभी पेट ओनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है उस चीज के बारे में जानना, तो है टिक फीवर। ये जो डिजीज है ये टिक्स के कारण ही होती है, क्योंकि इसका नाम डायरेक्टली एक रिप्रेजेंट किया गया है टिक्स फीवर। जो टिक्स होते हैं, आपने जिस जिसने भी पेट्स रखे हैं, डॉग्स रखे हैं, उनको देखने को मिलते हैं। जैसे ही मार्च का महीना शुरू होता है, मार्च का मंथ से लेके सितंबर अक्टूबर तक आपके डॉग के ऊपर ये टिक्स होते हैं, बहुत ही तेजी से अटैक करते हैं और इनकी ग्रोथ भी इतनी ज्यादा तेज होती है कि आप उस चीज को कभी सोच भी नहीं सकते। काफी ज्यादा मिलियंस में ये अंडे देते हैं, उसमें से जितने भी हैचिंग होती है वो टिक्स कुछ एक्टिव हो जाते हैं आपके पेट्स के ऊपर। सो आपने इस चीज का अंदाजा आपको लगना चाहिए जब भी आपको लगता है कि आपके पेट्स काफी ज्यादा इचिंग शुरू कर रहे हैं, या आपके पेट के ऊपर, आपके पेट की स्किन के ऊपर आपको लगता है कि उसकी जो स्किन है वो रेड होने लग पड़ी है। तो उसके बाद आप प्रॉपरली अपने पेट को एक चेक कीजिए, उसके बालों को आगे की तरफ करोगे तो आपको जो टिक्स या फ्लीस जो भी होंगे आपके पेट के ऊपर वो आपको नजर आ जाएंगे। क्योंकि इन दिनों जैसे ही गर्मी शुरू होती है, ये टिक्स क्या करते हैं, दूसरे पेट टू पेट मूव ऑन करते हैं, क्योंकि जब पेट खेलते हैं तो उसके बाद ये मूव करना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं, या ये घास या मिट्टी में जाते हैं जैसे घुमाने के लिए, वॉक के लिए, तो उस टाइम भी ये आपके पेट के ऊपर सीधा चले जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपको कभी टिक्स नजर आते हैं तो आपने जो रेगुलर प्रोडक्ट यूज होने वाला है जो नोटिक्स पाउडर है, तो आपने क्या करना है, जहां जहां भी आपको टिक्स नजर आते हैं आप उनके ऊपर ये पाउडर को यूज कीजिए और 48 आवर्स तक ये टिक्स बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे, जिससे क्या ये अपने आप गिरना शुरू कर देते हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, आपने कभी भी इन टिक्स को निकालना नहीं है, क्योंकि जब भी आप टिक्स निकालते हो, एक तो ये अपना जो पॉइजन है, इनके बिकने इन्फेक्टेड टिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं अपनी जो पेट की बॉडी के अंदर, जिससे क्या है वो टिक फीवर हो जाता है। और दूसरा, जब वो टिक्स उन्होंने अपनी इतनी तेजी से बाइट की होती है कि जब आप उनको टिक्स निकालते हो तो उससे क्या होता है, वो छोटा सा एक स्किन का पार्ट होता है वो भी सीधा ही बाहर ले आते हैं, क्योंकि छोड़ते नहीं है। और ऐसे में क्या होता है, एक तो टिक फीवर आती है प्लस स्किन प्रॉब्लम आ जाती है, ये दोनों डिजीज बहुत ही लंबा टाइम चलने वाली होती है, क्योंकि अगर स्किन प्रॉब्लम भी आती है उसका ट्रीटमेंट भी काफी लंबा, कम से कम 3-4 महीने तक चला जाता है। अगर टिक फीवर की बात करें, इसका भी कम से कम 1 महीने से लेकर 3 महीने तक ट्रीटमेंट होता है। अगर वो इसकी कंडीशन के ऊपर होता है कि आपका जो पेट है उसको कितने हाई लेवल के ऊपर जो इफेक्ट किया गया है, क्योंकि टिक फीवर एक तो प्लेटलेट्स डाउन कर देती है, हाई फीवर होना शुरू होता है इन्फेक्शन की वजह से, प्लस आपके पेट का लीवर प्लस किडनी दोनों डैमेज कर देती है। सो इस चीज का बहुत ही आपने ध्यान रखना है कि आपने कभी भी टिक्स को निकालना नहीं है। कई बार हमारे पास भी केसेस आते हैं, वो क्या कहते हैं कि हम ग्रूमिंग करवाने गए थे तो उन्होंने हमें कहा था कि आप टिक्स निकलवाना चाहते हो, तो हमने उनको बोला जी आप निकाल सकते हो, क्योंकि देखो किसी के निकालने से उनका कुछ नहीं जाएगा, उन्होंने अपनी पेमेंट ले लेनी है, लेकिन जो उसके बाद का जो नुकसान है वो आपको खुद को झेलना पड़ता है। सो टिक्स को निकालने के और बहुत सारे उपाय है, जैसे कि फर्स्ट हमने बताया था कि टिक पाउडर यूज करना है, आइस के ऊपर नहीं लगाना है, और मजल लगा के लगाना है, जिससे क्या है कि वो लिक ना कर सके, कहीं पे पाउडर लगाओ, सिर्फ ये 20 मिनट तक आपने ध्यान रखना है, उसके बाद वो अपने आप ही गिर जाता है और 20 मिनट में अपना इफेक्ट बहुत ही तेजी से शुरू कर देता है वो, क्योंकि जिस टिक्स के ऊपर लग गया वो 48 आवर्स तक बिल्कुल ही डेड, ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा वो। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है फेप्रोटिक स्प्रे। फेप्रोटिक स्प्रे होता है, ये क्या करना है, आपने बॉडी के ऊपर लगाना है, उससे क्या 2 से 3 बार जब आप रेगुलरली लगा दोगे आपके जो पेट है पेट के ऊपर एक बहुत ही बड़ी लेयर बनाना शुरू कर देंगे, जिससे का जो टिक्स होते हैं पुराने टिक्स गिरने शुरू हो जाते हैं या मरना शुरू कर देते हैं, या तो उसके बाद जब लेयर बन जाती कोई बाहर से जो टिक्स होते हैं वो आते नहीं है। तो आपने यही करना है, कम से कम 2 से 3-4 दिन के बाद ये स्प्रे यूज करते रहना है, जिससे कि आपका डॉग प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहेगा इन टिक्स से और फ्लीस से। और उसके बाद शैम्पू आता है जो रेगुलर प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने पेट को रेगुलरली नहला नहीं सकते, आपने अगर अपने पेट को नहलाना है कम से कम आपके पेट के नहाने का टाइम कम से कम 10 दिन का गैप होना चाहिए। सो जब भी आप 10 दिन के बाद नहलाते हो तो आप एंटी टिक्स शैम्पू यूज कीजिए, अगर टिक्स लगे होंगे एंटी टिक्स शैम्पू आप यूज करते हो प्रॉपरली अच्छे ब्रांड का, और उसको नहलाने के टाइम में कम से कम 10 दिन का गैप डालोगे उसको वॉश करने में, और उस टाइम भी जो टिक्स होंगे ऑलमोस्ट 50% टिक्स उसी में खत्म हो जाते हैं टिक्स एंड फ्लीस। सो ये तो प्रोडक्ट्स थे जो आप इजीली यूज कर सकते हो, रेगुलर भी यूज आता है। वो आपने अपने जो पेट है उसके बैकबोन के ऊपर लगानी है, वो लगाने के क्या क्या तरीके हैं आज हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे।
आपने अपने पेट का जो है बैकबोन है उस जगह के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर के बाल रिमूव करने हैं। जिस दिन आप नहलाते हो उसके नेक्स्ट डे आप यूज करोगे। अगर गीले के ऊपर ये प्रोडक्ट कॉटन यूज करोगे तो उसका कोई भी आपको इफेक्ट या रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो जब आप यूज करते हो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। ये ना हो कि आपके पेट के ऊपर डस्ट और ऊपर से आप कॉटन लगा रहे हो उस टाइम भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो आपने इसको प्रॉपरली 3 जगह स्पॉट बनाना है, टेल से थोड़ा सा आगे, सेंटर में और नेक के पास में। तो इस जगह स्पॉटन को आपने यूज करना है। अगर यूज करोगे तो 1 मंथ तक आपका पेट प्रॉपरली प्रोटेक्ट रहेगा इन टिक्स और फ्लीज के साथ। और नेक्स्ट जो है कुछ ऐसी टेबलेट्स आ चुकी हैं मार्केट में जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और टिक्स को तो उन्होंने नहीं आने देना, प्लस उसके साथ में जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी वो कवर करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं सिम्पेरिका और नेक्सगार्ड, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स की टैबलेट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव टैबलेट्स भी हैं। इसका प्राइस ऑलमोस्ट 700 to 800 के आसपास होता है, बॉडी वेट के हिसाब से ये टैबलेट्स दी जाती है। तो आपने इनको जो है 1 मंथ के गैप से आप दे सकते हो। जैसे आप 1 मंथ दिया तो इसका प्रॉपरली 40 डेज के आसपास इसका रिजल्ट होता है। तो अगर आप देते हो तो उससे क्या आपका जो पेट है वो इन टिक्स और फ्लीज से बहुत ही अच्छी तरह प्रोटेक्टिव रहेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, जो लगे हैं वो बॉडी में से अपने आप ही निकल जाएंगे। और उसके बाद एक और टैबलेट आती है बर्वेक्टो। बर्वेक्टो टैबलेट भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इम्पोर्टेड है, और ये टैबलेट आपने यूज़ करनी है। इसका रिजल्ट होता है कम से कम 3 मंथ्स का। जैसे ही ये अगर आप एक बार टैबलेट खिला दे तो 3 मंथ तक आपको कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं है किसी तरह की टिक्स की, फ्लीज की, और जो छोटे मोटे जो भी स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। जो स्किन प्रॉब्लम ज़्यादातर आती हैं इन टिक्स फ्लीज के कारण। जब टिक्स फ्लीज ही नहीं होंगे तो आपके अपने पेट को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस जो अननेसेसरी आप जो बार बार ट्रीटमेंट के ऊपर खर्चा करते हो, अगर आप एक ही बारी में अपने पेट को ये टैबलेट्स यूज़ कर लोगे तो आपको इन चीज़ों से जो अननेसेसरी खर्चे हैं वो सबसे छुटकारा मिल जाएगा। और अब मैं बात करता हूँ कि ये जो टिक फीवर है ये किस तरह इफेक्ट करता है। ये टिक फीवर होता है जैसे कि टिक्स लग गया है, उसने अपना जो पॉइजन इंसर्ट कर दिया, तो उससे क्या होता है आपके पेट को बहुत ही ज़्यादा बुखार होना शुरू हो जाता है। जैसे कि 104.5 तक फीवर रहता है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त होना शुरू कर देते हैं, सुस्त रहना शुरू कर देते हैं आपके पेट्स, खाना बंद कर देते हैं, और उसके बाद उनके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से डाउन होना शुरू हो जाते हैं। कई बार हमने देखा है कि कुछ कुछ पेट्स आते हैं जिनके 20,000 तक प्लेटलेट्स रह जाते हैं, और जिसका ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर प्रॉपरली ऑन टाइम उनका ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया जाता तो उसके बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। तो टिक फीवर के साथ साथ जो मेन इफेक्ट पड़ता है लीवर किडनी के ऊपर भी पड़ता है। लीवर किडनी भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हो जाती है इस डिजीज़ के साथ। सो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी आपको लगे गर्मियों के दिनों में आपके पेट्स अगर आपको थोड़ा बुखार लग रहा है, सुस्त पड़ रहे हैं, वोमिट्स कर रहे हैं, तो आप अपने नियर बाय जो अच्छे वेट हैं उनके पास विजिट कीजिए, उनको चेक करवाइए और अपना प्रॉपरली पेट का ट्रीटमेंट करवाइए जिससे उसकी हेल्थ के ऊपर कोई नुकसान ना हो। और इस टिक का ट्रीटमेंट जो होता है अगर उसको हो गया तो कम से कम 1 मंथ का ट्रीटमेंट है, 3 to 5 डेज उनकी ड्रिप लगती है, और उसके बाद जो एंटीबायोटिक्स चलती हैं वो ऑलमोस्ट 25 डेज तक रेगुलर चलती हैं। तो ये तो इनका प्रॉपरली एक टिक का ट्रीटमेंट आ गया। अगर उनके लीवर किडनी के ऊपर भी कुछ इफेक्ट पड़ गया तो उनका 6 मंथ तक का ट्रीटमेंट है। सो आप इतना ज़्यादा अगर इफेक्ट होने से पहले ही अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके पेट जो हैं बहुत ही हेल्थी रहेंगे, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। कभी भी टिक्स को निकालना नहीं है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट्स बताए हैं आप वो रेगुलरली यूज़ कीजिए। अगर आपको फिर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप जो हमारा दिया गया नंबर है उसके ऊपर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपकी हर तरह की पेट्स के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होगी हम आपको सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स के ऊपर जरूर इसमें कमेंट में जरूर डालिए, प्लस हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस मिल सके।